नमस्कार, हमारे सारे चाहने वाले और हमारी साइकोलॉजी को फॉलो करके शेयर बाजार में नया इतिहास रचने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बाजार रामलला के दर्शन के बाद एक तूफानी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से हम सभी लोगों में रामलला के दर्शन हो रहे हैं, उनका धन्यवाद करना तो बनता है। मैं एक साइकोलॉजिक फिर पेश करता हूं। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज को चोंच मारने से नहीं घबराता, उसकी पीठ पर भी बैठ जाता है, वहीं नहीं रुकता, वो उसकी गर्दन में भी चोंच मारता है, लेकिन बाज उसका कुछ नहीं करता। बाज अपनी उड़ान को उड़ता ही जाता है, अपनी ऊंचाई पकड़ता ही जाता है, इतनी ऊंचाई पकड़ता है कि वहां ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कौवा अपना प्राण त्याग देता है। मेरे इस बात से कहने का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो की जो शेयर है उसको ऐसी ऊंची उड़ान दीजिए कि जो भी लोग आपको सलाह देने वाले हैं वो सब कौवे की भांति खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से, और जिन शेयरों में आपने रखा है पकड़ के उसको ऊंची उड़ान उड़ने के लिए उसको समय दे। जितनी ऊंची उड़ान आप करेंगे फिर जो लोग से आप समझ रहे हैं वह लोग आपसे समझने के लिए आएंगे कि आपने ये इतनी ऊंची उड़ान कैसे उड़ी। इस बात से यह अर्थ निकलता है। हमेशा याद रखें, अपनी दिशा तय करें कि आपको शेयर बाजार में एक शेयर खरीद के कितनी बड़ी ऊंची उड़ान उड़ना है। कौवे तो बहुत रहेंगे और खुद ब खुद कौवे खत्म हो जाएंगे। मैं 22 तारीख के उपलक्ष्य में देखते हुए मैं आपके इससे जुड़े हुए 2-3 शेयर लेके आया हूं, जिसमें एक शेयर का नाम है इजी माई ट्रिप, क्योंकि अभी ट्रिप का काम बहुत तेज चलने वाला है, इसकी शेयरों में आप एक्युमुलेशन कर सकते हैं। सालारसर टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, वो नाम टेक्नो है, उस कंपनी में रेलवे के बजट भी आने वाले हैं, काफी सारा कुछ काम का जाने वाला है। आज उस शेयरों ने 10-12% की सर्किट भी लगाई है। मैंने पहले भी बोल रखा है उस शेयर के बारे में, एक शेयर होल्डर को 4 शेयर मुफ्त में भी मिलने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब उस शेयर को भी एक्युमुलेट करें, उसमें एक बड़ी तेजी की आप उम्मीद करके रखें, यहां से पैसा डबल होने का चांस उसमें भी बनता है। और खूब पेशेंस के साथ उड़े, बाज की दृष्टि से उड़े, कौवे की दृष्टि से नहीं। कौवा चोंच मार सकता है, कौवा उसके पंख को कुरेद सकता है, उसकी गर्दन पे आके बैठ सकता है, लेकिन बाज की उड़ान के आगे कौवा का मरना तय है। इसलिए आप पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं कि आप ऊंची उड़ान उड़े, समझने के बजाय आपसे लोग समझने आवे। नमस्कार।